Good morning, everybody. This is Renu Tambuli from Lyal Public School, your teacher. So today we are going to read chapter number 9, which is about kindness. Okay, in our moral value. Moral value में हम आज chapter number 9 kindness को read करने वाले हैं. So first question is here, what is kindness? Kindness क्या होती है? Kindness का मतलब क्या होता है? Kindness that means कि हमें कैसा भाव रखना चाहिए दूसरों के प्रति? दयालु का भाव, दयालुता का भाव रखना चाहिए. मतलब ऑलवेज वी शुड बी काइंड एट अदर्स. हमें दूसरों के प्रति हमेशा काइंड रहना चाहिए. ओके, सो दिस चैप्टर इज अबाउट काइंडनेस एंड वी नो दैट काइंडनेस इज अ ग्रेट क्वालिटी. काइंडनेस बहुत अच्छी क्या होती है? अपने में क्वालिटी होती है. ओके, सो वी मस्ट टू लर्न अ काइंड पर्सन. हमें एक काइंड पर्सन बनना सीखना चाहिए और हमेशा बने रहना चाहिए. ओके, और जो काइंड पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है और हमें किन किन लोगों के प्रति काइंडनेस अपनी मतलब काइंडनेस का भाव रखना चाहिए, काइंड बने रहना चाहिए. ओके, एंड यू नो व्हाट, अ काइंड पर्सन हु इज लाइक बाय एवरीबॉडी. जो काइंड पर्सन होता है ना वो सभी के द्वारा क्या किया जाता है? लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर. In this first paragraph, we are going to read, kindness is a great quality. Kindness है एक बहुत अच्छी quality होती है अपने आप में. Okay, और वो क्या quality होती है? Let's have a read here. Kindness is a great quality. We must learn to be kind. Kindness क्या है? बहुत ही अच्छी quality है अपने आप में. And we must learn to be kind. और हमें हम क्या किसके बारे में सीखना चाहिए? हमें हमेशा काइंड बने रहना चाहिए. ओके, और सीखना चाहिए हमें कि हमें काइंडनेस कैसे और किन के प्रति हमें काइंडनेस को अपनी एक्सप्रेस करना चाहिए. ओके, जिन लोगों को सच में बहुत ही एक्चुअली में नीड होती है हेल्प की, लाइक ओल्ड पीपल हो गए, वीक स्टूडेंट्स हो गए, उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा काइंडनेस उनके लिए दिखानी चाहिए, रखनी चाहिए हमें. ओके, सो इट मीन्स दैट वी हैव टू बी जेंटल एंड जेनरस. तो इसका मतलब, इट मीन्स दैट वी हैव टू बी जेंटल. इसका मतलब होता है अगर हम काइंड बने रहते हैं दूसरों के लिए तो दैट मीन्स कि हम क्या है, हमें जेंटल है, हम जेंटल है और हमें क्या है, जेनरस है. मतलब हमें अच्छे क्या है, अच्छी फीलिंग है दूसरों के प्रति. ओके, और ये जो क्वालिटी होती है जेंटल और जेनरस, दैट मीन्स ये शो करती है कि हम एक काइंड पर्सन है. ओके, अ काइंड पर्सन इज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल. और जो काइंड पर्सन होता है, दयालु इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है, वो फ्रेंडली होता है और हेल्पफुल होता है. दैट मींस अ काइंड पर्सन ऑलवेज टू बी रेडी टू हेल्प अदर्स. हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं काइंड पर्संस. ओके, फ्रेंडली दैट मींस उनका जो नेचर होता है, बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है. ओके, friendly that means we can share anything with them. हम उनसे कुछ भी share कर सकते हैं. Now moving to the next paragraph. A kind person will share his or her things with others. जो kind person होता है, चाहे वो his मतलब boy हो या girl हो, है ना? Kind person तो कोई भी हो सकता है, girl boy, है ना? तो वो अपनी जो चीजें होती हैं दूसरों के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं. ओके, ही और शी विल यूज जेंटल वर्ड्स. और जो काइंड पर्सन है, ही किसके लिए आया? ही इज यूज हियर फॉर गर्ल बॉय. ही इज यूज हियर फॉर बॉय. और शी किसके लिए आया है? फॉर गर्ल. ओके, ही दैट मीन्स बॉय के लिए आया और शी का यूज किस लिए करते हैं? गर्ल्स के लिए करते हैं. ओके, तो काइंड पर्सन तो देखो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकते हैं. सो ही और शी विल यूज जेंटल वर्ड्स. जो काइंड पर्सन होते हैं वो हमेशा जेंटल वर्ड्स मतलब अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, ही और शी विल थिंक ऑफ अदर पीपल फर्स्ट. ही और शी, अगेन ही और शी यहाँ किसके लिए आया है? ही फॉर बॉय एंड शी फॉर गर्ल. ओके, सो जो काइंड पर्सन है वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते हैं. He or she will make others happy. और जो kind person है वो दूसरों को क्या रखते हैं, हमेशा खुश रखते हैं. Clear to you? First paragraph में क्या पढ़ा हमने? क्या kindness is a great quality and we must learn to be a kind. हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, kind रहना चाहिए. And we know that क्या kind person is a friendly and helpful. Kind person क्या होता है? Friendly होता है और helpful होता है.
इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी हैड रेड, क्या पढ़ा हमने कि एक जो काइंड पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है और वो क्या क्या करता है दूसरों के लिए. लाइक अ काइंड पर्सन who always ready to share his things with others, है ना, who always think of people first, and yes, a kind person will make others happy. जो kind person होता है वो दूसरों को हमेशा खुश रखता है. Now, last paragraph of this chapter. अब इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें किन के प्रति specially kindness रखनी चाहिए, हमें kind रहना चाहिए, okay? So we must be kind to everybody. हमें सभी के लिए काइंड रहना चाहिए, ओके. वी मस्ट बी स्पेशली काइंड टू पीपल हु आर ओल्ड, सिक और पुअर. और स्पेशली विशेष तौर पर हमें किसके लिए रहना चाहिए काइंड, ओल्ड पर्संस के लिए जो ओल्ड लोग हैं, सिक मतलब जो बीमार है, पुअर दैट मीन्स जो अपने नीड्स को, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने में क्या है, एबल नहीं है. ओके, सो हमें स्पेशली तीन लोग जैसे ओल्ड, सिक और पुअर, इन तीनों की क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए. ओके, अब पुअर यहाँ पे देखो बेटा कोई भी हो सकता है ना. पुअर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुअर एक पर्टिकुलर होता है, पुअर पुअर्स जैसे कि बच्चे भी हो सकते हैं, पुअर्स जो जो एजुकेशन है ना नहीं ले पा रहे हैं ना, पुअर कौन हो सकता है जो अपना खाने के लिए उनको क्या नहीं मिल पा रही है, चीजें नहीं मिल पा रही है, उनको खाने के लिए फूड नहीं मिल पा रहा है, पुअर कोई भी हो सकता है. ओके, पुअर दैट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अपनी डेली नीड्स को, अपनी जो जरूरतें होती है वो पूरी नहीं कर पाता है. सो वी मस्ट हेल्प देम, ओके, और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. And the last line of this chapter is, a kind person is liked by everybody. जो kind person होता है वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है. Clear to you? Now moving to the book exercise, which is the first question here. Answer these questions. First question यहाँ पे है, what is kindness? Kindness क्या होती है? Because we know that kindness क्या होती है? Kindness is a great quality. Kindness क्या है? एक बहुत ही अच्छी अपने आप में quality होती है. So answer will be, kindness is a great quality. Clear to you? Next question is here, who is a kind person? Kind person कौन होता है? We know that a kind person use gentle words and think of other people first. जो kind people होता है वो हमेशा gentle words का use करता है. Gentle that is अच्छे words use करता है और हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचता है. Okay, now next question, question number 3 is here, why should we be kind to old people? हमें old people के प्रति क्यों kindness दिखानी चाहिए, हमें kind क्यों रहना चाहिए old people's के प्रति, बताओ. Old people के लिए हमें क्यों kind रहना चाहिए? Because we know that कि जो old people होते हैं, they can't do their work, है ना, वो अपने work नहीं कर सकते हैं, अपने works क्यों नहीं कर सकते? Because they are weak and old and they need our help. उन्हें हमारी help की जरूरत होती है और वो old होते हैं तो वो अपना काम खुद से आसानी से नहीं कर सकते हैं. So answer क्या होगा बेटा, properly अपने को क्या लिखना है? Because they are our elders. वो हमारे क्या होते हैं? Elders होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, and they need our help. और उन्हें हमारी help की जरूरत होती है. किन्हें? Old people को हमारी need, हमारी help की जरूरत होती है. इसलिए हमें उनके प्रति ज्यादा क्या रहना चाहिए? Kind रहना चाहिए. Clear to you? Now moving to the next question. Question number B, write true or false next to each. According to the statement, you just write here true and false. Okay, so number one statement is here, a kind person is gentle. Jo kind person hota hai wo gentle hota hai. Yes, it's true. Write here T. Next is, everybody is kind. Kya sabhi jane kind hote hai? No, it false. Hai na? हर कोई काइंड नहीं होता है, ये हम पे डिपेंड करता है ना, ये दूसरे लोग हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे दूसरों के प्रति काइंड रह सकते हैं, काइंडनेस दिखा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, वी मस्ट बी काइंड टू चिल्ड्रन. यस, क्या हमें बच्चों के प्रति काइंड रहना चाहिए? इट्स ट्रू. नंबर 4 इज, नो वन लाइक्स अ काइंड पर्सन. क्या किसी भी
काइंड पर्सन को कोई पसंद नहीं करता है. वी नो दैट के अ काइंड पर्सन लाइक बाय एवरीवन, सबके द्वारा काइंड पर्सन क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है. सो इट विल बी फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट इज अ फुलिश पर्सन कैन बी काइंड. ओनली अ फुलिश पर्सन कैन बी काइंड. फुलिश दैट मीन्स जो मूर्ख लोग होते हैं, क्या सिर्फ वही काइंड होते हैं क्या? नो, इट विल बी फॉल्स. क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नंबर सी. आर दी साइन ऑफ काइंडनेस टिक और क्रॉस? आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस साइन? आपको राइट करना है. अगर करेक्ट साइन है तो आपको करेक्ट का साइन लगाना है, एंड इट विल बी रॉन्ग तो आपको क्रॉस का साइन लगाना है. ओके. नंबर वन क्या है? स्माइलिंग एट अदर्स. क्या हमें दूसरों के लिए हमेशा स्माइल पास करना चाहिए? यस, हमें अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए. ओके. और दूसरों के दूसरे जो भी हमें मिलते हैं, हमें स्माइल पास करते हैं, तो हमें मुस्कुरा के उनको रिप्लाई देना चाहिए. क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज हियर लाफिंग एट अदर्स. क्या हमें दूसरों पे हंसना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए? नो, इट विल बी फॉल्स. इस पे क्रॉस का साइन आएगा. नेक्स्ट है स्टेयरिंग एट अदर्स. स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? घूरना. दूसरों को घूरना चाहिए हमें? नो, फॉल्स. Shouting at others, क्या दूसरों पे हमें चिल्लाना चाहिए? It will be false. And the next is helping others. क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? Yes, it will be true. Now moving to the next question. Next question, write down how you can show kindness to. Kindness to that आपको, आप कैसे इन persons के लिए आप kindness show कर सकते हो? Kindness that means दयालुता. Okay? So number one देखो क्या है? A poor man. How do you show kindness to a poor man? Poor man के लिए आप kindness कैसे show करोगे? We should feed the poor man. Feed that means हमें जो जो भी poor man है उन्हें हमें क्या करना चाहिए? खाने के लिए फूड है वो हमें देना चाहिए, उनको फीड कराना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है अ ब्लाइंड मैन. अ ब्लाइंड मैन के थ्रू आप कैसे, हाउ टू यू शो योर काइंडनेस टू अ ब्लाइंड मैन? ब्लाइंड मैन दैट मीन्स अ पर्सन हु नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता है ना. सो आंसर होगा ट्रीट अ ब्लाइंड मैन लाइक अ फ्रेंड. एक ब्लाइंड, जो ब्लाइंड मैन होता है उसे आप अपने फ्रेंड की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे. ओके. नेक्स्ट है अ वीक स्टूडेंट. अ वीक स्टूडेंट मतलब जो कमजोर हो, है ना. तो वीक स्टूडेंट को आप कैसे आप है ना इनकरेज करोगे, जो पढ़ाई में क्या हो, वीक हो, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट ना हो, है ना. तो हम क्या करेंगे? वी शुड इनकरेज एंड मोटिवेट हिम. हमें उसे इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए वीक स्टूडेंट को. ओके. नेक्स्ट नंबर फोर, योर मदर. हाउ टू यू शो योर काइंडनेस टू योर मदर? आप अपनी मदर के प्रति कैसे काइंडनेस शो करोगे? We should help her in household work. आप क्या करोगे? आप अपनी मदर के लिए काइंडनेस कैसे शो करोगे? आप अपनी मदर के हाउस होल्ड, घर के जो वर्क होते हैं उसमें हेल्प कर. आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टूडेज क्लास, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून. हैव अ नाइस डे.